सिंपल स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस करना है वो मैथमेटिक्स कोर्स बी का पेपर बी है, बीएससी पार्ट टू का डबल मैथ के लिए है ये। तो उसके लिए मैं पहले डिस्कस करने के लिए पहले मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकमेंडेड सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगी, जो उन्होंने टॉपिक्स रिकमेंड किए हैं। तो क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है, न्यू पैटर्न इशू हुआ हुआ है, तो उसके पहले टॉपिक्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइजेज और जो चैप्टर्स बनते हैं बुक्स मेथड और कैलकुलस की बुक के, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो सेक्शन वन में टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑल टॉपिक्स हैं, चैप्टर फर्स्ट है ये मेथड की बुक है एसएम यूसुफ की। तो उसके ऑल टॉपिक्स यानी आपने इसे कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है, जिसमें 1 to 4 5 एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, तो ये मेन टॉपिक है इसका। उसमें लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, द पार्शियल डेरिवेटिव्स, कंप्यूटिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स और द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। यहां तक अगर देखें तो ये जो फर्स्ट टू टॉपिक्स हैं ये एक्सरसाइज 2.6 में कवर हो रहे हैं, चैप्टर टू कैलकुलस की बुक का उसकी एक्सरसाइज 2.6। उसके बाद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, लोकल लिनियरिटी एंड द डिफरेंशियल, टेंजेंट प्लेन्स, नॉर्मल लाइंस, ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमा मिनिमा, लग्रांज मल्टीप्लायर्स। यहां तक ये जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर 9 कैलकुलस की बुक है मैथड एसएम यूसुफ की। उसमें जो चैप्टर 9 है वो 9.1 से 9.6 तक वो टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद है मल्टीपल इंटेग्रल्स, ये जो चैप्टर 10 है कैलकुलस की बुक का मल्टीपल इंटेग्रल्स वो कंप्लीट इसमें कवर हो जाएगा। उसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं, डबल इंटेग्रल, रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म, ट्रिपल इंटेग्रल, सब्स्टिट्यूशन, मूवमेंट्स एंड सेंटर ऑफ मास। ये टॉपिक्स जो है वो चैप्टर 10 के हैं, 10.1 से 10.6। इसका मतलब जब हम सेक्शन 1 की तरफ आएंगे तो उसमें चैप्टर 1 कम्प्लीट है मेथड की बुक का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद जो है कैलकुलस की बुक के हैं ये चैप्टर 9 से 9.1 से 9.6, एक्सरसाइज 2.6 है। और उसके बाद चैप्टर 10 है, 2.3 भी इसमें शामिल है, चैप्टर 10 भी कैलकुलस की बुक का। ये दोनों कैलकुलस की बुक के हैं और ये मेथड का। तो अगर आप पास पेपर कंसल्ट करेंगे उसमें 2017 जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें जो है कंप्लीट 1 क्वेश्चन चैप्टर 1 में से है। उसके बाद चैप्टर 1 का ए सेकंड क्वेश्चन में चैप्टर 1 का ए पार्ट और 9 चैप्टर में से बी पार्ट इसका है, और 2.6 में से एक पार्ट मिला के चैप्टर 10 के साथ आया हुआ है, 2.3 का एक पार्ट है। इसका मतलब यहां से मिक्सिंग हुई है। अगर आप ये सेक्शन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप जो चैप्टर 1 कंप्लीट प्रिपेयर कर लें, 2.6 बहुत इजी एक्सरसाइज है उसको प्रिपेयर कर लें, और साथ ये चैप्टर 9 की ये स्टार्टिंग से सारी भी बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप चैप्टर 10 स्किप भी कर देंगे तो आपका ये सेक्शन इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इसमें जो है टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, जो मेथड की बुक का चैप्टर 8 है, इन्फिनिट सीरीज वाला जो चैप्टर है, सीक्वेंस, इन्फिनिट सीरीज, उसकी कन्वर्जेंस, इंटीग्रल टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक टेस्ट, रेशियो एंड रूट टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो हैं वो चैप्टर नंबर 8 मेथड की बुक में इन्फिनिट सीरीज में है, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सीरीज, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये भी चैप्टर 8 में ही है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज में। पावर सीरीज, इंटरवल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसके लिए आपको चैप्टर 8 देखना पड़ेगा। इसी सेक्शन में आगे आता है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, इसमें से 4 क्वेश्चन आने हैं सेक्शन 2 में से। ये न्यू टॉपिक एड हुआ है इस न्यू सिलेबस में, पहले ये सिलेबस में एडिड नहीं था। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो है उसमें प्राइम, इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप रिकमेंडेड बुक से यूज कर सकते हैं। नंबर थ्योरी की कोई बुक ले लें, उसमें ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें, प्राइम नंबर्स, थ्योरी रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम, द यूक्लिडियन एल्गोरिदम, द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, कॉन्गुरेंसेस, लीनियर कॉन्गुरेंसेस और टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग ए एक्स इज इक्वल टू बी मॉडुलो एम। ये जो टॉपिक्स हैं आपने एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में प्रिपेयर करना है। ये न्यू टॉपिक जो है वो एडिड हुआ है इस सिलेबस में 2017 और से ऑनवर्ड, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप कोई भी नंबर थ्योरी की बुक ले लें, उसमें से ये टॉपिक विद एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लें। तो अब इस सेक्शन में जो देखें तो सेक्शन 2 में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट जो है वो मेथड की बुक का, यानी उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, इन्फिनिट सीरीज का है।
तो दो क्वेश्चन इसमें से और नंबर थ्योरी जो है ये टॉपिक इसमें से दो क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब 2017 में पेपर आया है तो उसमें ये मिक्सिंग करके आया है, चैप्टर 8 में से एक कंप्लीट क्वेश्चन और फिर चैप्टर 8 के एक क्वेश्चन में नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, फिर नंबर थ्योरी के क्वेश्चन में एक पार्ट चैप्टर 8 का है, यानी उन्होंने मिक्सिंग करके दे दिया है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं जो चैप्टर 8 कंप्लीट प्रिपेयर कर लें, नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो देख लें साथ कि आपका कोई क्वेश्चन का एक पार्ट, एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा और एक क्वेश्चन जो है उसका मे बी मिक्सिंग के साथ आए, हो सकता है कि पूरे 2 क्वेश्चन इसी में से आए, आने 4 पार्ट इसमें से हैं 4 पार्ट इसमें से, लेकिन इस दफा 2017 मिक्सिंग के साथ आए हैं। तो मे बी आपकी दफा ये जो है वो पूरे इसमें से कंप्लीट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आप चैप्टर 8 लाजमी कंप्लीट प्रिपेयर कर लें, 90% चांसेस है कि आपका ये सेक्शन 2 इजीली कवर हो जाएगा चैप्टर 8 से, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे मिक्सिंग अगर ना हो तो। इसके बाद सेक्शन 3 जो है उसमें मेन टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी ये जो टॉपिक्स हैं बाइनरी ऑपरेशंस, डेफिनेशन एग्जांपल्स, सब ग्रुप्स, बिलियन ग्रुप्स, लैग्रांज थ्योरम, परमुटेशन इवन और सिमेट्रिक ग्रुप, रिंग्स एंड फील्ड्स, ये कंप्लीट जो है वो चैप्टर 2 है मेथड का ग्रुप थ्योरी का, चैप्टर 2 मेथड का ग्रुप थ्योरी का। इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे तो आपने एक अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज कर लें 2.123 तक तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है, फिर भी आप देख लें, पास पेपर जरूर कंसल्ट करें। इसके बाद जो है सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 में जो है एक टॉपिक है मैट्रिक स्पेस का, उस इसके भी लिए भी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, जैसे मेथड और कैलकुलस की है कि उसी में से ही एक्सरसाइजेस में से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक है इसमें से कोई भी बुक आप जो है वो रिकमेंडेड बुक ले सकते हैं। आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए मैट्रिक्स स्पेस की और वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, एक पार्ट जो है वो इसमें से आ जाता है कि डेफिनेशन के साथ जो एग्जाम्पल है मैट्रिक्स स्पेस की उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो आप मैट्रिक्स स्पेस की एग्जांपल कवर करें। उसके बाद होल्डर्स, कॉशी श्वार्ज एंड मिनकोस्की इनइक्वालिटीज, इन तीनों इनइक्वालिटी में से कोई ना कोई एक इनइक्वालिटी आ जाती है, उसके बाद इनको मिला के अक्सर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं, ज्यादा यानी चांसेस हैं कि एग्जाम्पल के साथ एक पार्ट और एक इनमें से कोई इनइक्वालिटी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हैं ओपन बॉल जिसे ओपन स्फीयर भी कहते हैं एंड क्लोज्ड बॉल्स, उसके बाद इन डायमीटर ऑफ अ सेट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, नेबरहुड्स और ओपन एंड क्लोज सेट्स, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स एंड क्लियर ऑफ अ सेट, ये आपने मैट्रिक्स स्पेस के ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, इनकी डेफिनेशंस और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स जो क्वेश्चन है वो आपने किस मैट्रिक्स स्पेस की बुक से प्रिपेयर करने हैं। मैट्रिक्स स्पेस की कोई बुक ले लें, शाम्स आउटलाइन सीरीज की ले लें या जो भी आपने सेलेक्ट की हुई है उसमें से आप सिर्फ ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें। तो मिड सेक्शन 4 में आपका मैट्रिक्स स्पेस का टॉपिक है और सिर्फ और इसमें से 2 क्वेश्चन आने और आपका जो है ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपने एक अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप ये इसकी एग्जांपल्स में से जो क्वेश्चन होते हैं वो लर्न करें और साथ ही इनइक्वालिटीज वाले में और स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी उनके रिलेटेड जो एग्जांपल्स और क्वेश्चन है वो कर लें, तो आपका एक क्वेश्चन इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे जरूर लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।